कोटा में फंसे छात्र पहुंचे गोंडा। जी हां, लॉकडाउन के इस संकट में जहां लाखों लोग अपने घरों से दूर अन्य शहरों में फंसे हैं, वहीं प्रदेश की योगी सरकार ने राजस्थान के कोटा शहर में पढ़ाई करने के लिए गए प्रदेश के हजारों बच्चों के सकुशल घर वापसी की मार्ग प्रशस्त कर दिया है। प्रदेश सरकार 300 सरकारी बसें का संचालन कर इन बच्चों को कोटा से लाकर उनके घर पहुंचाने का काम कर रही है। प्रदेश सरकार की पहल पर आज 192 बच्चे कोटा से गोंडा पहुंचे। अपने घर पहुंचने पर उन्होंने प्रदेश सरकार के सराहना करते हुए योगी सरकार को थैंक यू बोला और कहा कि अन्य राज्यों के सरकार को भी इस तरह का पहल करना चाहिए। वहीं करीब एक महीने तक लॉकडाउन में फंसे रहने के बाद घर वापसी कर रहे बच्चों से बात की गई तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। श्रावस्ती जिले के रहने वाली आकांक्षा पाठक का कहना था कि वह कोटा में रहकर नेट की तैयारी कर रही थी, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तब से काफी दिक्कतें आ रही थी। अब योगी सरकार के पहल पर आज वह अपने घर लौट रही हैं। सरकार का यह प्रयास काफी सराहनीय है और इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई के पात्र हैं। अन्य प्रदेशों की सरकारों को भी इस तरह की व्यवस्था बच्चों के लिए लागू करना चाहिए। जिस तरह से कोटा में दिन पर दिन केस बढ़ते जा रहा था, उस हिसाब से बहुत घर की याद आ रही थी और घर पे आना था, ना पढ़ाई हो रही थी, घर वाले भी पूरा परेशान थे। थैंक यू टू यूपी गवर्नमेंट की वो लोग हमको यहाँ वहाँ से लेके अपने परिवार तक छोड़े। थैंक यू। मेरा नाम आकांक्षा पाठक है, मैं श्रावस्ती में रहती हूँ। मैं कोटा गई थी तैयारी करने नीट की, क्योंकि मुझे वहाँ डॉक्टर बनना था, बट वहाँ पे कोरोना की वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत आई। पर हम लोग यूपी के हैं तो हमारे गवर्नमेंट जो थे योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बहुत ही मतलब सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही सुरक्षित अपने घर वापस जा रहे हैं। बस यही कहना चाहेंगे, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और यहाँ तक कि दूसरे गवर्नमेंट को भी अपने बच्चों के लिए यही करना चाहिए।